वाड़ी शहर में प्रशासक बैठे लगभग 1.25 साल हो चुके हैं और मुख्याधिकारी जुमा प्यारे वाले के लापरवाही के कारण वाड़ी शहर बदहाल है। इस दौरान डेंगू का प्रकोप तेज होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई प्रभावी सफाई कार्य नहीं किया गया है। नगर परिषद ने आम्बेडकर नगर के चंद्रमणि चौक पर अस्थायी डंपिंग यार्ड शुरू किया था। नगर परिषद को इसे हटाने के संबंध में कई बार निवेदन और पत्र के बावजूद डंपिंग यार्ड को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया है या कोई अन्य स्थान नहीं मिला है और नागरिकों की जान को खतरा है। इस संबंध में अभी तक मुख्याधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वाड़ी शहर में बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए उद्यान बनाए गए थे, लेकिन कई सुविधाओं की कमी और बगीचे में पानी की आपूर्ति की कमी के कारण बगीचों में पेड़ सूख गए हैं। अब बरसात के मौसम में बगीचे में घास और अन्य खरपतवार बड़ी संख्या में उगा है। जगह जगह पानी जमा है, साफ सफाई नहीं है, इसलिए बगीचे में मच्छर पनप रहे हैं और नागरिक तेज बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। खासकर डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। साथ ही वाड़ी नगर परिषद के माध्यम से वाड़ी शहर में विभिन्न कार्य शुरू किए गए हैं। इसके तहत वाड़ी शहर की मुख्य सड़क खड़गांव रोड से वसंत विहार तक का निर्माण घटिया गुणवत्ता का है। स्पष्ट है कि यह निर्माण प्रारंभिक अनुमान के अनुसार नहीं किया जा रहा है। इस निर्माण में सीमेंट और रेत का कम इस्तेमाल होता है, इसलिए इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि यह सड़क 5 महीने तक टिकेगा या नहीं। इससे स्पष्ट है कि मुख्य अधिकारी और ठेकेदार के बीच मिलीभगत है। शहर में कई पात्र लाभार्थियों ने नवा योजना का फॉर्म भरा है, लेकिन मुख्याधिकारी की लापरवाही के कारण कोई भी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। डॉक्टर आम्बेडकर नगर और टेकड़ीवाड़ी नपेल शासन घाट पर शेड का टीन पूरी तरह से सड़ चुका है, इसलिए बारिश के मौसम में लाश को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसलिए उस शेड पर टूटे गए टीन को तुरंत बदल दिया जाए और एक नया टीन लगाया जाए। वाड़ी शहर में आम्बेडकर नगर, गौतम नगर, इंदिरा नगर, टेकड़ीवाड़ी, बख्शी लेआउट में रहने वाले नागरिकों को स्थायी स्वामित्व दिया जाना चाहिए। आम्बेडकर नगर में कूड़ा उठाने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था की गई है। वह कचरा ले जा रही है, लेकिन नाले से निकलने वाला कचरा 10 से 15 दिनों तक नाले के किनारे रहता है, लेकिन उसे वहां से हटाया नहीं जाता है, जिससे नागरिकों का स्वास्थ्य फिर से खतरे में पड़ जाता है। इन तमाम दिक्कतों और हंगामे के बावजूद मुख्याधिकारी किसी की सुनने के मूड में नहीं है। मुख्याधिकारी हमेशा हिटलर जैसा व्यवहार करते रहते हैं। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी वाड़ी शहर ने हिटलर मुख्याधिकारी को भगाने की मांग की है। इस तरह की मनमानी करने वाले अधिकारी को तत्काल बदला जाए, क्योंकि इससे नागरिकों की जान को खतरा है। 7 दिन में मुख्याधिकारी की बदली नहीं की तो भाजपा द्वारा नगर परिषद में तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया गया। इस पत्र परिषद में पूर्व पार्षद तथा भाजपा वाड़ी शहर अध्यक्ष केशव बांद्री, महामंत्री चंद्रशेखर द्रेश भतार, वाड़ी मंडल अध्यक्ष प्रमोद कमे, वाड़ी मंडल महामंत्री कमला करेंगे मौजूद थी। मी केशव बांद्रे, भारतीय जनता पक्ष वाड़ी शहराचा अध्यक्ष। वाड़ी मध्ये जी समस्या है, त्या समस्येच्या बाबतीत माझं मी मत मांडत आहे। गेल्या 1.5 वर्षापासून या ठिकाणी नगर परिषदेची जी बॉडी होती, ती बॉडी या ठिकाणी पीरियड संपल्यामुळे त्यांचं ते पद संपुष्टात आले आणि त्याच्यानंतर प्रशासनाच्या हातात नगर परिषद गेली। प्रशासनाच्या हातात गेल्यापासून तर आतापर्यंत निष्काळजीपणामुळे वाडीचं विकासाच्या बाबतीत आणि छोट्या छोट्या कामाच्या बाबतीत खूप निष्काळजीपणामुळं लोकांचे नुकसान झालेले आहे आणि हे नुकसान या ठिकाणी पदस्थ असलेले जे CEO आहेत माननीय जुमा प्यारेवाले साहेब यांच्या निष्काळजीपणामुळं किंवा यांच्या एकेकोरपणा आणि हेकडपणामुळं या वाडीचं लोकांचं नुकसान झालेलं आहे। बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।